आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों को सैनिक स्कूल सहित कुल 187.50 करोड़ की लागत की 16 परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, सैनिक स्कूल में बच्चों को मिलेगी देश रक्षा की शिक्षा, विकास का कोई विकल्प नहीं। खाद कारखाना अक्टूबर माह में होगा चालू, विकास के शिखर पर होगा गोरखपुर। तीन दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को अपने गृह जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फर्टिलाइजर में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। शनिवार को गुरु पूर्णिमा पर्व पर अपने शिष्यों को देंगे आशीर्वाद, रविवार को सिद्धार्थनगर को होंगे रवाना। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव आर के तिवारी ने ऑक्सीजन प्लांट के कार्यों की समीक्षा। कहा, 15 अगस्त तक शुरू करें सभी ऑक्सीजन प्लांट, विकास कार्यों में लाएं तेजी। जगह थाना क्षेत्र में भतीजे ने दिन दहाड़े की अपने सगे चाचा की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या, आरोपी फरार। एसएसपी ने कहा, जल्द होगी हत्यारोपी की गिरफ्तारी। फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाकर बैंक हाथों से रुपए निकालने वाले अंतरराज्यीय गैंग के 11 सदस्यों को क्राइम ब्रांच की टीम ने किया गिरफ्तार। 9,10,000 रुपए नगद, एक होंडा सिटी कार, एक पल्सर मोटरसाइकिल, फिंगरप्रिंट क्लोन, फिंगरप्रिंट स्कैनर, फिंगरप्रिंट कोन बनाने वाली मशीन, 53 मोबाइल फोन, मोबाइल सिम, चेकबुक, पासबुक, डोंगल, एटीएम कार्ड, लैपटॉप, पेन ड्राइव और रजिस्टर, आधार कार्ड डाटा सहित भारी मात्रा में सामग्री बरामद। एसएसपी ने किया सनसनीखेज खुलासा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वर्चुअल बेसिक शिक्षा विभाग के 69,000 नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का किया वितरण। जनपद में प्रभारी मंत्री ने 108 नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का किया वितरण। नव नियुक्त शिक्षकों ने सीएम योगी के प्रति जताया आभार। कहा, सीएम योगी जो कहते हैं वही करते हैं। पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखी आधारशिला। फर्टिलाइजर परिसर में 154 करोड़ रुपए की लागत से 50 एकड़ जमीन पर बनकर होगा तैयार। सदस्य विधान परिषद व सभापति विशेषाधिकार समिति विजय बहादुर पाठक की अध्यक्षता में संपन्न हुई विशेषाधिकार समिति की बैठक। कहा, अधिकारी गण करे जनप्रतिनिधियों का सम्मान, विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन से कराए अवगत। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,352। अब तक 847 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान। 35वें एक्टिव मरीज सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ने 20 अगस्त को होने वाले प्रारंभिक आर्द्रता लिखित परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद को मछुआ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक बनाए जाने पर भाजपाइयों ने दी शुभकामनाएं। जयप्रकाश ने कहा, भाजपा सबका साथ सबका विकास करने वाली है पार्टी, मछुआ समाज के दम पर बनाएंगे 2022 में भाजपा सरकार। एडीजी जोन के पहल पर शुक्रवार से शुरू हुआ बीट पुलिसिंग सिस्टम। अब बीट पुलिस नहीं, बीट ऑफिसर होंगे पुलिसकर्मी। ग्रामीण क्षेत्रों में बीट ऑफिसर करेंगे विभिन्न समस्याओं का समाधान। शुक्रवार को रानीडीहा स्थित एक लॉन में संपन्न हुई भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यकारिणी की बैठक। संगठन की मजबूती पर हुई चर्चा। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का किया जाएगा कार्य, 2022 में दोबारा बनाएंगे भाजपा सरकार। शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित 94 केंद्रों पर रिकॉर्ड 26,052 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 21,592 और सेकेंड डोज लेने वालों में 4,460 लोग रहे शामिल। एडिशनल सीएमओ ने कहा, वैक्सीनेशन कराते समय कोरोना प्रोटोकॉल का करें पालन, रहें सुरक्षित। और कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से शासन द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाया गया कोरोना नाइट कर्फ्यू शुक्रवार को भी रहा लागू। सड़कों पर बेफिक्र घूमते नजर आए लोग, मिला जुला रहा नाइट कर्फ्यू का असर।